वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। कल जो वीडियो बनाई थी बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका प्रूफ आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इस वीडियो में बच्चों के साथ हुई नाइंसाफी का प्रूफ दिखाऊंगा। बस एक छोटा सा पहले ट्रेलर दिखा देता हूं। अगर दो बच्चे, पांच बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे ये कहते कि हमारे साथ गलत हुआ है, मैं ना मानता। भाई साहब 1200 कमेंट आए हैं, 1200 से ज्यादा बच्चे। और अभी इस वीडियो में आपको बच्चों की मम्मी के बच्चों के रोने की वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है मेरे रेगुलर वीडियो से, लेकिन एक एक प्रूफ लेके आया हूं, बच्चों की वीडियो लेके आया हूं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे पर्सनली बात हुई है, जिन्होंने भाई साहब खाना नहीं खाया, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे शायद जो खाना नहीं खा रहे होंगे या कुछ नहीं कर रहे होंगे। उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा खाने पे गुस्सा मत उतारो, तुम्हारा भाई इंग्लिश बाबा तुम्हारे साथ खड़ा है। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले आपको आप लोगों के कमेंट्स दिखा रहा हूं जो ऑल ओवर इंडिया से तुम लोगों ने डाले हैं। इसके साथ साथ जो मेरा कल वीडियो आएगा उसमें मैंने क्या डिस्कस किया है, सारे यूट्यूबर्स को, इंडिया के सारे एजुकेशनल यूट्यूबर्स को एक साथ ले आऊं या ना ले आऊं तुम्हारी इस लड़ाई के लिए। दोबारा सुनो, मैंने आज ये प्लान किया है कि इस लड़ाई में, बच्चों को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में, खाली मैं नहीं, अगर मैं जितने भी एजुकेशनल यूट्यूबर्स हैं, अरे जिन्होंने हमको ये दो दो सिल्वर प्ले बटन दिलवाए, जितने भी यूट्यूबर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, एजुकेशनल यूट्यूबर्स, ये याद रखना हम लोग बच्चों की वजह से हैं। हम लोगों को सब्सक्राइबर इन बच्चों ने दिलवाए हैं, ये इनकी कमाई है। और आज हमारा टाइम आ गया है कि हम इन बच्चों के लिए खड़े हो जाएं और इन बच्चों को इंसाफ दिलाएं। गाइज इस वीडियो को इतना लाइक करना, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मैं सारे एजुकेशनल यूट्यूबर्स को, सीबीएसई को टैग करूंगा, और जिन यूट्यूबर्स से मेरा पर्सनल कांटेक्ट है उनके साथ कांटेक्ट करूंगा अगर तुम लोग मेरे साथ इस लड़ाई में शामिल हो गए। सबसे पहले देखो कल वाले आए हुए बच्चों के कमेंट्स। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था आप लोगों को कमेंट करने के लिए, तो ये देखो पहला कमेंट पढ़ रहा हूँ ब्रजेश जी का। ब्रजेश जी लिखते हैं, यस सर मेरा 75% तो पक्का था लेकिन 57% आया है। ये है सुजल, वी वांट जस्टिस, आरटी दे दिया मुझे फालतू का। और ये हैं इमरान सैफी, लिखते हैं सर मेरे सारे सब्जेक्ट में कम है, मुझे पूरा यकीन है कि सीबीएसई ने मेरे नंबर काटे हैं। प्रखर हैं बलिया उत्तर प्रदेश से, लेकिन एक अच्छा कमेंट आया है बिगनिंग का, वो कह रहे हैं मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। और गोविंद लिखते हैं, आई वांट जस्टिस बिकॉज माय इंग्लिश मार्क्स वर वेरी मच एक्सपेक्टेड बिटवीन 75 to 80, आई ओनली गॉट 56। ये इंग्लिश वाली बात मुझे और भी बच्चों से पता चली है। और यहाँ पे हैं द कोडिंग, ये भी चाहते हैं जस्टिस मिले। और आयुष लिखते हैं कि मुझे साइंस में 90+ की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन 77 आए हैं। साक्षी लिखते हैं कि यस सर हम आपकी बात से अग्री करते हैं, वी आर अग्री सर, मेरे साइंस में बहुत कम आए हैं बल्कि मैंने अच्छे से पेपर किया था। अब गाइज एक बात सोचो, क्या ये सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं? चलो एक बच्चा कहता, दो बच्चे कहते, तीन बच्चे कहते तो मैं मान लेता कि ये झूठ बोल रहे होंगे। क्या सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं? जेपी सिंह कह रहे हैं सर मेरा इंग्लिश में 80 नंबर आना चाहिए था लेकिन 64 आए हैं। और प्रतीक धवन भी लिख रहे हैं, यस सर वी अग्री विद यू। पंकज भी अग्री हैं, आईलेट्स भी जस्टिस चाहिए। आयुष भी कह रहे हैं, गुप्ता स्टूडियो आई ऑल्सो वॉन्ट जस्टिस, ठीक है 80% बन रहे थे लेकिन आए 70 हैं। हार्ड गेमिंग, यस सर ये स्टोरी बहुत अच्छा, सॉरी ये अलग नहीं है। प्रतीक हमें देख रहे हैं अयोध्या से, प्रतीक लिखते हैं वी वॉन्ट जस्टिस। तो गाइस ये बहुत सारे, अगर मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ूंगा लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो प्रतीक, आयुष, पंकज, सैन्योरिता, अमृत गोरखपुर से हैं, ठीक है बीके पाठक जी इंग्लिश में कम नंबर आ गए हैं, ठीक है बहराइच उत्तर प्रदेश से हैं। और आयुष ये हैं, आयुष्या सर मेरा मार्क्स बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का मार्क्स ही नहीं दिया सर, सुबह से रो रहे हैं। मतलब बेटा अपनी बात को पूरा कमेंट करना, मैं बताना आखिर ऐसा क्या हुआ, मार्क्स ही नहीं दिया मतलब कम नंबर दिए हैं या क्या हुआ है।
सर इंग्लिश और एसएसटी में बहुत कम आए हैं, ये लिखते हैं हरियाणा जिंद से शिल्पा। सर इंग्लिश इकोनॉमिक्स बिजनेस में एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा कम है, अमृत श्रीवास्तव लिखते हैं। और आशुतोष हमें देख रहे हैं मध्य प्रदेश से। शिवम शौर्य कहते हैं मेरे इंग्लिश में 82 आए हैं पर मुझे पूरा पता था कि 95 तो आएंगे ही आएंगे। आई वॉन्ट जस्टिस। सो गाइज आप खुद देख लो यार, खुद देख लो इतने सारे बच्चे यूज़र, UPS, आरती वर्मा, सर मैंने अपने एग्ज़ाम में ओवर अटेम्प्ट भी किए थे। देखो ओवर अटेम्प्ट तो चिल्ड्रन मैं हमेशा मना करता हूँ, ये देख लीजिए पुश लिख रहे हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से, आयुष हैं, यूज़र लिख रहे हैं आशिया, कुछ नहीं केमिस्ट्री में, आई वॉन्ट जस्टिस। सो गाइज आप खुद देख सकते हो, ये मेरे बनाए हुए कमेंट्स नहीं है, ये आप लोगों के कमेंट्स हैं। गाइस देख लिया आपने प्रूफ, देख लिया क्या ये कमेंट्स मैंने अपनी साइड से डाल दिए, ये आप लोग हो, मेरे छोटे भाई बहन हैं ऑल ओवर इंडिया से। और सच सच बताना दिल पे हाथ रख के, बहुत सारे बच्चे तो अभी ऐसे होंगे जिन्होंने वीडियो देखा लेकिन कॉमेंट नहीं किया होगा, तो आज मैं उन लोगों से दोबारा कॉमेंट की उम्मीद करता हूं कि अगर तुमको भी ऐसा लग रहा है कि सर मैंने सही सही से अपने टीचर को दिखाया था, क्रॉस चेकिंग करी थी, मुझे 95 मिलने ही मिलने थे लेकिन उसमें मुझे 70-80 मिले, या मुझे साइंस में ऐसा लग रहा था, सोशल साइंस में ऐसा लग रहा था, मुझे इंग्लिश वाले तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले हैं कि सर मैंने टीचर से भी क्रॉस चेक करवाया, खुद भी क्रॉस चेक करा, आंसर भी चेक करवाए और मेरे मार्क्स मतलब चलो 2-4 नंबर इधर उधर होते तो मुझे कोई दिक्कत ना होती, लेकिन सर सीधे मेरे 15 नंबर उड़ा दिए। तो मेरा एक छोटा सा डायरेक्ट CBSE से सवाल है, कहां गई आपकी मॉडरेशन पॉलिसी, कहां गए आपके ग्रेस मार्क्स जो बड़े बड़े आपने वेबसाइट पे डाले थे। और मुझे एक छोटी सी बात तुम लोगों से भी जाननी है, एक बात बताओ, ICSE जो कि सेंट्रल बोर्ड है वो 99.47% रिजल्ट निकाल रहा भैया, वहां के सारे बच्चे होशियार हो गए। और मेरे छोटे भाई बहन, मेरे CBSE के छोटे भाई बहन, ये सारे बुद्धू, ये सारे बेकार हैं, इनमें कमियां ही कमियां हैं, ना कोई मॉडरेशन पॉलिसी लगाई ना कुछ लगाई। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक सेकंड ये देखो, ए मैं तुम्हें नंबर तो नहीं दिखाऊंगा, ये मैं नंबर छुपा लेता हूं, ये मैम दिखाना, ये क्या ये बच्चे देख पा रहे हैं, आ रहा है मैम स्क्रीन में, सर दोबारा पेपर मुझे करना है साइंस और मैथ्स का, इस नंबर पर, बच्चे की मम्मी हूं सर, प्लीज जानकारी दें। और आपको यकीन नहीं होगा, ये ऑडियो सुनो। सर मैं स्टूडेंट की मम्मी बोल रही हूँ, आप प्लीज बताइए अगर देखा, ये स्टूडेंट की मम्मी थी, हालांकि प्रॉपर वो क्लियर नहीं है। एक चीज और मैं यहां पे आप लोगों से दो सवाल पूछना चाहता हूं कि एक तो मुझे यह बताओ, इस लड़ाई में तुम्हारे साथ, इंसाफ की इस लड़ाई में, आप जो मेरे पर्सनल यूट्यूबर्स फ्रेंड है उनको तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, मुझे कमेंट में बताओ आपको किन किन यूट्यूबर्स का साथ चाहिए, मैं उनको पर्सनली स्क्रीनशॉट भेजूंगा, उनको पर्सनली मेल करूंगा, उनसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करूंगा। मुझे ये बताओ कॉमेंट में कि सर आप इन सर के साथ, इन मैम के साथ, इस यूट्यूबर के साथ मिलकर सर हमारी इस लड़ाई में और हमारे इस मार्क्स को बढ़वाओ। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों ने 1400 कमेंट तो कर दिए यार, कल भी मैंने एक बात की थी, अगर मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं तो मुझे भी तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितने लाइक कर सकते हो, अगर तुम्हारे दिल तक ये वाली बात पहुंचे लाइक, और अगर जो कोई भी ऐसा मेरा छोटा भाई बहन ऐसा है जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर देना, ऑल ओवर इंडिया के जो भी तुम्हारा स्कूल का ग्रुप हो, जो भी तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस है, हर जगह वीडियो को लगा देना। एक चीज और मैं तुमसे जानना चाहता हूं, हाँ मुझे एक चीज और बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आ गए, जिनके 85% मार्क्स आ गए, जिनसे मेरी पर्सनली भी बात हुई, क्या आपके साथ, हालांकि आपके अच्छे मार्क्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप
उम्मीद लगा रहे थे 98% की, लेकिन आए आपके 89 या आए आपके 90। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके मार्क्स तो अच्छे हैं, 90% है, 91% है, 89% है, 88% है, लेकिन उनका यह कहना है कि सर मेरे, मैं तो 98% वाली बच्ची हूं, मैं तो 97% वाला बच्चा हूं, मेरा 10th का रिकॉर्ड देख लो सर आप। तो क्या कुछ बच्चे ऐसे, दूसरा कुछ बच्चे क्या है जिनको ऐसा लग रहा है कि भैया मेरा तो हो गया, अब मुझे क्या ही मतलब। तो गाइज मैं उन लोगों से, उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दूसरे फ्रेंड्स के लिए, अगर मान, अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ भी गए, तुम बढ़िया नंबरों से पास हो भी गए, तो भी यार इस लड़ाई में शामिल हो जाओ, इंसाफ की इस लड़ाई में, बच्चों के मार्क्स बढ़वाने वाले में, री इवेल्यूशन में शामिल हो जाओ। गाइज वीडियो को 2 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। आगे बढ़ने से पहले आपको ऐसे दो बच्चों के वीडियोस, ऐसे दो बच्चों से मिलवा रहा हूं जिन्होंने इंग्लिश बाबा चैनल को और MCQ, खास तौर से ये जो MCQ चैनल है, क्योंकि CBSE ने फिर से कह दिया है 25% क्वेश्चंस MCQ चैनल, MCQ क्वेश्चंस होंगे। MCQ चैनल पे ऑलरेडी 116,000 सब्सक्राइबर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हो गए हैं, और अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप 10th से 11th में जा रहे हो, 11th से 12th में जा रहे हो, या CUET की तैयारी कर रहे हो, तो अभी कर लो। MCQ चैनल पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के MCQ हमने डाल दिए हैं सबसे पहले, और इस चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्योंकि हो सकता है आपको सर्च में ना मिले। अब आप इन बच्चों की बात सुनो। Good evening everyone, I am Shivam from MPVM Prayagraj. I just got my class 12th board result and I have scored 95 out of 100 in English language, thus continuing the streak of getting good marks in this. I got ascent percent in class 10th and the same continued in class 11th also. In these 3 years, I followed Lakhan sir and his YouTube channel English Baba. It really helped a lot and it really made a big difference on my preparation. In 10th, I attended his live lectures on an educational platform, and for the rest of the 2 years, I followed him through the YouTube channel. As I was a PCM student, I didn't get much time to invest on language, but his videos, his for example, the PYQ series of all the chapters, the NCERT detailed solution, and even you can say detailed lectures on the chapters, they were really straightforward, to the point, and accurate as well. And I got many questions, like they were straight from the question paper, it seemed like, and it really made a big difference. And thank you, sir, for teaching us so well that I still remember each and every detail to its very core. And I would really like to thank you from the bottom of my heart and the English Baba YouTube channel. Thank you, sir. Hi everyone, I'm Niyati Yadav. I scored 95% in my class 12th examination. तो अगर आपको भी अपने परसेंट अचीव करने हैं, जो आपके ड्रीम परसेंट है, तो उसके लिए आपको भी शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एंड में करोगे तो ऑब्वियसली फिर वो स्ट्रेस होगा और फिर जर्नी जो होगी वो इतनी ईजी नहीं रह पाएगी। दूसरी चीज़ है अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देना, टू डू लिस्ट बनाना, और तीसरी चीज़ है अपने टीचर्स को फॉलो करना, वो जो कंटेंट दे रहे हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करना और अपने टीचर्स की सारी बातों को मानना। अगर आप इतना करोगे तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में, और 9th और 11th को भी प्रायोरिटी देना, उसमें भी अच्छे से पढ़ना। अगर मैं बात करूँ स्पेशली इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने जो सर के क्वेश्चन आंसर्स के जो वीडियोज़ थे उनको अच्छे से फॉलो किया था, और मैंने एज अ रेफरेंस यूज़ करती थी ताकि मैं भी अपने एग्जाम में अच्छे वर्ड्स को यूज़ कर सकूँ। तो प्लीज़ आप भी उनको फॉलो करो। और दूसरी चीज़ है MCQ सेशंस। जब हम एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और हमें कभी रिवाइज करना हो, तो हम उन सेशंस का यूज़ कर सकते हैं और अपने जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इंग्लिश में अपनी जर्नी को इजी बनाना है और अच्छा कंटेंट चाहिए है, तो आप इंग्लिश बाबा चैनल को फॉलो कर सकते हो, और आप भी अपने ड्रीम स्कोर को पक्का अचीव करोगे अगर आप भी मेहनत करोगे तो। ऑल द बेस्ट गाइज। एक चीज और CBSE ने, वैसे तो मैंने कल वाली वीडियो में बता दिया था, लेकिन ब्रीफ में जल्दी से बता देता हूं। अगर आपको क्लास 10th के हो, क्लास 10th का एग्जाम दिया है, मार्क्स बढ़वाने हैं तो क्या करना है, और अगर क्लास 12th के हो, मार्क्स बढ़वाने हैं तो क्या करना है। हालांकि प्रोसेस एक जैसा है, लेकिन डेट चेंज है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं क्लास 10th की। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्टेप नंबर 1, 2 और 3, तीनों में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर जो बच्चे 10th के हैं, वो 20 तारीख से लेके 24 तारीख तक अप्लाई करेंगे, किसके लिए, अपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। और इसमें आपको ₹500 पर सब्जेक्ट देना होगा। अगर आपका वो वेरीफाई हो जाता है, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आप या आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमें तो हमारा जो बच्चा लिख के आया था उसकी कॉपी मिल जाए, फोटोस्टेट हमें मिल जाए, स्कैंड कॉपी मिल जाए, उसके लिए आप अप्लाई करोगे 4 जून से लेके 5 जून, मतलब बस एक दिन का टाइम मिल रहा है, याद रखना। इसमें भी आपको पर कॉपी ₹500 मिलेंगे।
अब जब आपके पास कॉपी आ गई, उसके बाद अगर आपको या आपके पेरेंट्स को ऐसा ये लगता है कि भैया मेरा देखो सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और सेवंथ क्वेश्चन में मुझे कम मार्क्स मिले हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को री चेकिंग के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो। ठीक है, पूछो नहीं, चुप रहो। तो उसमें आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन देना पड़ेगा। आई नो गाइस, बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी कॉमेंट किया है, तुम देख लेना प्रूफ के लिए, कि सर गलती करे सीबीएसई और पैसा दें हम। गाइस, हालांकि मैं इस चीज पे भी वीडियो बना सकता हूँ, इस चीज पे भी लड़ाई होगी, मुझे पता है कि 500 रुपए आज की डेट में शायद मेरे लिए बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन ऐसी छोटी जगहों से आते हैं जिनके लिए 500 रुपए भी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मैं तो सीबीएसई से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया इस अमाउंट को और कम करो, लेकिन आप सबसे ये कहूंगा कि आज की डेट में भाई ये मत देखना ये 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, क्योंकि आज खर्च किया हुआ पैसा लाइफ टाइम आपको काम आएगा। अब जल्दी से बात कर रहा हूं क्लास ट्वेल्थ के। अगर आपने क्लास ट्वेल्थ का पेपर दिया है, मार्क्स बढ़वाने हैं, तो वही पहला प्रोसेस है अप्लाइंग ऑनलाइन अप्लाई करने का, लेकिन आपकी जो डेट है वो है 17 तारीख से लेके 21 तारीख तक, और आपको भी 500 रुपए देने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट। दूसरा स्टेप है, अगर आप चाहते हो कि मुझे फोटोकॉपी मिल जाए, एक चीज याद रखना, जो लोग स्टेप वन के लिए जाएंगे वो ही स्टेप टू के लिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मुझे डायरेक्ट फोटोकॉपी मिल जाए, भाई नहीं मिलेगी, यह याद रखना, जो स्टेप टू के लिए जाएगा वो ही स्टेप थ्री के लिए जा सकता है। दूसरा है फोटोकॉपी वाला और तीसरा है वही क्वेश्चन चेक करवाने वाला, बस डेट्स अलग है। डेट है इसमें, अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए 1 जून से लेके 2 जून के बीच में अप्लाई करोगे, और उसके बाद जो भी पर क्वेश्चन आपको जो रीवैल्यूएशन करवाना होगा जो क्वेश्चन, उसके आपका 100 रुपीज। दोनों के मैंने स्क्रीनशॉट इसमें लगा दिए हैं, तो देख लेना। चिल्ड्रन, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, ज्यादा इस वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। याद रखना, मैंने आपसे कुछ 3 सवाल पूछे थे जिनका आंसर आपको कॉमेंट में देना है। नंबर 1, क्या आपको भी लगता है कि आपके साथ ना इंसाफी हुई, आपके किसी सब्जेक्ट में या सारे सब्जेक्ट्स में आपने क्रॉस चेकिंग की, टीचर से भी चेक करवाया, लेकिन फिर भी आपको मार्क्स कम मिले? नंबर पहला 1 क्वेश्चन ये है। दूसरा, क्या आप इस मुहिम में मेरे साथ हो, क्या आप मेरी इस बात से अग्री हो? अगर आप अग्री हो मेरे साथ इस लड़ाई में साथ हो, तो सर लिख देना वी आर विद यू। ठीक है, और तीसरी बात, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तुम लाइक करोगे तब इसकी रीच बढ़ेगी। जब तुम वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने ग्रुप में डालोगे, तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं, जिनको ये वीडियो मिला ही नहीं है, कल वाला वीडियो मिला ही नहीं है, तभी वो हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। मुझे बता देना कौन कौन से यूट्यूबर्स का साथ आप चाहते हो इस जर्नी में, उनको मैं टैग करूंगा, उनको साथ में लेके आऊंगा। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं भाई साहब, इस बार एमसीक्यू क्वेश्चंस भर भर के आएंगे। एमसीक्यू चैनल का लिंक, वो फैमिली हमारी 1,16,000 कुछ की हो गई है, उस फैमिली का हिस्सा बन जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोनों को इंग्लिश बाबा चैनल पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर डाल दिए हैं, और वीडियो के लास्ट में आपके बहुत सारे कॉमेंट्स छोड़ जा रहा हूं, इन कॉमेंट्स को एक एक करके अपना नाम देखना और मुझे ये बताना क्या आपका कॉमेंट आज के वीडियो में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं कल वाले वीडियो में जरूर डालूंगा, लेकिन ये वाली बात बोलना जरूर। चलते चलते ये आ गया बीच में, मुझे नहीं पता कि लास्ट में हुआ है या नहीं। चलो चलो, ठीक है।